तो हेलो साथियों, स्वागत है अपने चैनल हाई मोटिवेटर में। तो साथियों, जैसा कि थंबनेल देख रहे होंगे, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल सी लेखपाल भर्ती के बारे में। तो वीडियो को पूरा देखना, इसके रिजल्ट को लेकर हम बात करेंगे, ठीक है। और थोड़ी लॉन्ग वीडियो हो सकती है, जितने भी बिंदु होंगे उन पर हम चर्चा करने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा देखना। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। तो साथियों, जैसा कि सबसे पहले आपको कोर्ट केस के बारे में बता दें, ठीक है, जो दो डेट लगी हैं उसके बाद हम कहीं ना कहीं इस पर चर्चा करने वाले हैं। जैसा कि आपको पता होगा, जो इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो केस नंबर 19-234 आपका है, उसकी डेट 15 फरवरी को लगी है। हालांकि यहाँ पर सीरियल नंबर अभी तक मतलब चेंज नहीं किया गया, मैंने अभी साइट पर देखा, ठीक है, अभी सीरियल नंबर नहीं मिला। हालांकि इसकी 15 तारीख है, तो कल शाम तक या परसों तक ये सीरियल नंबर आपको कल शाम तक शायद जारी हो जाएगा, इसका सीरियल नंबर कितना लगा, टॉप 10 के अंदर है या नहीं। मगर आपको बता दूँ, फ्रेश केस है तो ये टॉप 10 के अंदर ही रहेगा, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं यहीं लखनऊ बेंच की। लखनऊ बेंच की यहाँ पर देख सकते हो 16 फरवरी यानी कि एक दिन बाद इसकी डेट लगी है, ठीक है। इसका भी इसमें तो अभी समय है, तो इसका सीरियल नंबर अभी नहीं मिला है। हालांकि लखनऊ बेंच का जो भी सीरियल नंबर मिला है बहुत ज़्यादा मिल जा रहा है, तो वो कहीं ना कहीं उसकी सुनवाई वगैरह नहीं हो पा रही है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें और ये सारी चीज़ें आपने देख ली होंगी, दोनों डेट, ठीक है। तो इन दोनों डेट पर आपकी सुनवाई होनी है। अब हम रिजल्ट को लेकर हम बात करेंगे, आखिर रिजल्ट कब तक जारी हो सकता है। मगर साथियों, आपको बता दूँ, जिस प्रकार से ये सारी चीज़ चल रही है, जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि जो आपका रिजल्ट है तब तक जारी नहीं होगा जब तक इन जो भी याचिका डाली गई, जितनी भी आपत्ति प्रश्न थे, इनका निस्तारण नहीं हो जाता है। हालांकि यहाँ पर बहुत सारे अभ्यर्थी के मन में ये भी दुविधा चल रही है कि जो कॉमन अंक मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा। तो आपको बता दूँ, हालांकि चांस हैं कुछ एक दो मार्क्स पर कॉमन, एक दो जो प्रश्न है उनके शायद यानी कि जो आंसर चेंज हो जाए। मगर यहाँ पर आपको बता दूँ, अभी तक आपका रिजल्ट नहीं बना है। कहीं ना कहीं बहुत सारे अभ्यर्थी ये सोच रहे होते हैं कि रिजल्ट बन गया है, मगर रिजल्ट अभी तक आपका नहीं बना है, क्योंकि रिजल्ट बनेगा भी नहीं जब तक इन सारी चीज़ों का निस्तारण नहीं होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें तो रिजल्ट को लेकर हमने बात कर दी। अब रिजल्ट को लेकर आखिर रिजल्ट आएगा तो आएगा कब, ठीक है। तो जिस प्रकार से ये सारी चीज़ चल रही है, आपको बता दूँ कि दिसंबर में बहुत ज़्यादा उम्मीद लग रही थी कि लास्ट दिसंबर तक रिजल्ट आपका डिक्लेयर हो जाएगा, क्योंकि जिस प्रकार से डेट वगैरह लगी, उसके बाद जनवरी में पूरी उम्मीद लग गई थी कि जनवरी में भी आपका जो रिजल्ट लास्ट तक डिक्लेयर हो जाएगा। और उसके बाद फरवरी में, ठीक है, फरवरी में तो अध्यक्ष जी का बयान ही आया था, आपने कटिंग में देखा होगा कि हम जो रिजल्ट है लेखपाल का फरवरी के अंत तक जारी कर देंगे। मगर आप देख रहे हो 15-16 तक तो कोर्ट की डेट है लगी हुई, तो इससे इतने समय में मतलब 2,12,000 अभ्यर्थियों का रिजल्ट नहीं बनेगा, क्योंकि रिजल्ट अभी बना भी नहीं है, तो ये फरवरी में भी कैसे भी नहीं आने वाला है, ठीक है। तो अब रिजल्ट आकर हाँ कब तक सकता है, तो आपको बता दूँ, रिजल्ट के बारे में किसी को कुछ नहीं पता है कि रिजल्ट आएगा आएगा कब, ठीक है। एक एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि आपको बता दूँ, जब तक कोर्ट से इन याचिकाओं का निस्तारण नहीं होगा तब तक रिजल्ट अभी तक आपको बता दूँ नहीं देखने को मिलेगा, चाहे वो मार्च हो जाए, चाहे अप्रैल हो जाए, चाहे फिर मई चला जाए, ठीक है। जब तक याचिकाओं का निस्तारण नहीं होगा, और आपको बता दूँ 15-16 तारीख को अगर फिर डेट मिल जाती है, तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आगे की प्लानिंग कर रहे हैं। मुझे नहीं लग रहा है कि मार्च तक दे पाएंगे अगर 15-16 के बाद डेट आगे जाती है, क्योंकि आपको बता दूँ 15-16 के बाद कम से कम एक वीक की डेट आगे मिलेगी, तो लगभग फरवरी भी पूरा हो जाएगा, और उसके बाद एक से दो डेट और लग गई तो ये मार्च में भी चला जाएगा। मार्च में बहुत कम चांस हो जाएंगे इसका रिजल्ट आने में, ठीक है। तो मगर साथियों, आप ज़्यादा चिंतित मत हो, 15-16 तारीख को क्या होता है वो हम अपने चैनल के माध्यम से दिखाएंगे बिल्कुल, ठीक है। जो कुछ भी होगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। तो रिजल्ट को लेकर आपको बता दूँ, कुछ भी कन्फर्म नहीं कह सकते कि रिजल्ट मार्च के लास्ट तक ही आ जाएगा कि अप्रैल में आ जाएगा। आपको बता दूं, अगर याचिका का निस्तारण 15-16 तारीख को हो जाता है, तो रिजल्ट आपको बता दूं 20 के करीब मार्च में भी आ सकता है, 20 तारीख के करीब भी मार्च में आ सकता है, अगर ये सारी चीज़ें हो जाती हैं, ठीक है। तो आप चिंतित मत हो, रिजल्ट को लेकर आपको बता दूं कंफर्म नहीं कह सकते कि रिजल्ट वो मार्च के अंदर देखने को मिलेगा या अप्रैल में जाएगा, ठीक है। अब हम यहाँ पर बात कर सकते हैं कॉमन अंक को लेकर। देखो, कॉमन अंक को लेकर लगभग 7 प्रश्नों को चैलेंज किया गया था, उसमें 2 प्रश्नों को पूरी तरीके से हटा दिया है, वो मैंने पहले भी कहा है, जो लखनऊ बेंच ने हटाया था 9 तारीख को, ठीक है। उसमें उत्तर प्रदेश एयर बाउंड्री वाला था और जो यानी कि सोलर पंप स्कीम वाला, उन 2 प्रश्नों को हटा दिया। अभी 5 प्रश्नों पर चैलेंज चल रहा है, 2 प्रश्न है इलाहाबाद हाईकोर्ट में, 3 प्रश्न है लखनऊ बेंच में। अब आपको बता दूँ, एक इलाहाबाद हाईकोर्ट में, एक लखनऊ बेंच में, इन पर पूरी उम्मीद लग रही है कि यहाँ पर कॉमन अंक मिल सकता है अगर इनके आंसर चेंज हुए। और आपको बता दूँ, कॉमन अंक के बारे में पहले ही बताया, किसे फायदा होगा, अगर जैसे कि उज्ज्वला वाले पर या एन के एनएच वाले पर, अगर इन प्रश्नों पर जो कॉमन अंक मिलता है, ठीक है, अगर उज्ज्वला वाले का आपने, ठीक है, उसका राइट आंसर लगाया होगा तो आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला है, 0 मिलेगा। अगर उसने गलत यानी कि आपने जैसे उसे गलत कर दिया और आपने अटेम्प्ट भी किया है, तो वहाँ पर आपको बता दूँ, गलत किया है तो 0.25 तो वो हो गया और एक अंक वो हो गया, ठीक है, तो 1.25 हो गया। और उसने आपने अगर अटैम्प्ट नहीं किया उज्ज्वला वाले को, और ठीक है एनएच वाले को अटैम्प्ट नहीं किया है, तो आपको बता दूँ आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे, एक उज्ज्वला वाले का, एक एनएच वाले का। तो ये कॉमन अंक को लेकर है, ठीक है। तो यहाँ पर सब अभ्यर्थियों को फायदा नहीं होगा, उन्हीं अभ्यर्थियों को फायदा होगा जिन्होंने उसे
अटेम्प्ट किया और गलत कर दिया, या उसे अटेम्प्ट ही नहीं किया, जिसने अटेम्प्ट किया उसने सही कर दिया, उसे कुछ भी फायदा नहीं होने वाला है। ठीक है, तो कॉमन नंबर को लेकर अब बात समझ में आ गई होगी। अब हम बात करने वाले हैं डीबी में कितने गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा। यहाँ पर बहुत सारे अभ्यर्थियों के मन में कन्फ्यूजन चलता है, तो आपको बता दूँ जैसे कि डीबी में 15 से 16 हज़ार अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा और ये सारी चीज़ें कन्फर्म होती हैं। जैसा कि जितनी भर्ती लेट होती है तो वहाँ पर बहुत सारे अभ्यर्थी होते हैं, कहीं ना कहीं दूसरी जगह उनकी ज्वाइनिंग वगैरह हो जाती है। और आपको बता दूं अगर डीबी में ज़्यादा अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा तो आपको बता दूं कुछ अभ्यर्थी डॉक्यूमेंट में भी फेल होंगे और इसके बाद फाइनल मेरिट लगेगी, तो कहीं ना कहीं कुछ अभ्यर्थी वहाँ से भी निकलेंगे। तो आपको बता दूं 8085 पद मिल जाएंगे अगर 15 से 16 हज़ार अभ्यर्थियों को बुलाया गया। अगर यहीं पर 12 हज़ार अभ्यर्थियों को बुलाया जाता है तो डॉक्यूमेंट वगैरह बहुत सारे अभ्यर्थी इसकी डीबी छोड़ देंगे। बहुत सारी वैकेंसियाँ SSC UPSSC UPSI ESI ये बहुत सारी वैकेंसियाँ हैं, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं अभ्यर्थी अपना सिलेक्शन ले लेंगे। अगर 1.5 गुना ही बुलाए गए तो लगभग लगता है कि 8085 पद में इसके जो पदों की संख्या कम रह सकती है, पूरे फुलफिल भी नहीं हूं। ठीक है, तो ये सारी चीजें लगभग 2 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा डीबी में। अब यहाँ पर बात करने वाले हैं कट ऑफ को लेकर। जैसे कट ऑफ को लेकर मैंने पहले भी कह दिया है, कट ऑफ आपकी ज़्यादा नहीं जाने वाली है, मैंने वही कहा 76 और 77 जनरल में भर रहे हैं, तो निश्चिंत रहिए उतने पर आसानी सिलेक्शन हो जाएगा और उसी OBC वगैरह और SEWS की उसी अनुसार चलेगी। ठीक है, मैंने पहले भी कट ऑफ पर बताया है। ठीक है, जनरल में 76 77 है तो आसानी से आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा और इससे ज़्यादा कट ऑफ ऊपर नहीं जाने वाली है। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं री एग्जाम को लेकर कि री एग्जाम आखिर होगा कि नहीं होगा। तो आपको बता दूँ अभी तक तो कोई भी चांस नहीं बन रहा है कि री एग्जाम होगा। ठीक है, मगर कुछ भी कह नहीं सकते। ठीक है, अगर आपको बता दूं यहाँ से 1 से 2 प्रश्नों पर चैलेंज किया गया और यहाँ से 1-2 प्रश्न पर कुछ भी आंसर चेंज हुआ तो पूरे रिजल्ट पर इसका प्रभाव पड़ जाएगा। ठीक है, मगर अभी तक कोई भी उम्मीद नहीं लग रही है कि इसका जो री एग्जाम होगा। मगर हालांकि उन अभ्यर्थियों से कहना है जिस जो फर्जी है बच्चे हैं उन्होंने कहीं नकल वगैरह की है, तो आपको बता दूं अगर डीबी वगैरह में जाओगे तो कहीं ना कहीं पकड़ जाओगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, तो डीबी वगैरह में वो अभ्यर्थी वैसे भी नहीं जाने वाले, तो कट ऑफ वगैरह में आपको अंतर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें अब हम 15 और 16 तारीख को देखेंगे आखिर क्या होता है। जो कुछ भी बातें मैंने आपको बता दिया, अगर कुछ भी डाउट हो तो कमेंट में पूछ सकते हो। ठीक है, कौन सी बात सही लगी, तो ये सारी चीज़ें और मैंने ये सब कुछ भी था मैंने बना दिया वीडियो में। ठीक है, जैसे डीबी को लेकर, कट ऑफ को लेकर और रिजल्ट को लेकर ये सारी चीज़ें आपको इस वीडियो के माध्यम से बता दी। तो वीडियो को हम रखते हैं, अगर वीडियो आपको पसंद आए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। अगर कोई भी डाउट होगी तो कमेंट में पूछ सकते हो, उसका जवाब दूंगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में रखते हैं, धन्यवाद।